नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और यहां पे हम इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे T20 का प्रेडिक्शन गेम प्ले लेके आए हम लोग। He's on fire. Fantastic performance. Oh, what a leap. Takes a superb catch. What a win. That's done it. The whole team running over to celebrate. आज का जो गेम प्ले है वो होने वाला है दूसरा T20 का, लेकिन आज खास बात ये कि अलग गेम प्ले फॉर्मेट होने वाला है। एटलीस्ट वीडियो का गेम प्ले फॉर्मेट अलग होने वाला है। हम लोग यहाँ पे वेस्ट इंडीज का एक बार फिर नेशनल एंथम नहीं बजाए, इंडिया के ही नेशनल एंथम में दोनों का पूरा कर दिया है। अलग ये होने वाला है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हम हाईलाइट देखने वाले हैं। 15 ओवर का हमारा जो हिस्सा है वो ऑटो प्ले होगा, और उसके बाद के जो 5-5 ओवर का दोनों गेम प्ले वो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट फॉर्म में होगा। मतलब एक छोटी लेकिन एक जबरदस्त वीडियो आपको देखने को मिलने वाली, एक जबरदस्त प्रिडिक्शन वीडियो देखने वाले हैं आप लोग। स्टेडियम की कमी है, इंडिया की टीम मैंने ओरिजिनल रखने की कोशिश की, सिवाय शिवम दुबे अवेलेबल है नहीं गेम में, मेरे कुणाल पंड्या को लेना पड़ा है, बाकी इंडिया का सेम है। वेस्ट इंडीज में तो भाई इतने नए खिलाड़ी हैं कि नामो निशान नहीं है उनका गेम में, तो वो भी मैंने डिफॉल्ट टीम के साथ जाने दिया है। एक दो चेंजेस किए हैं, जैसे दिनेश रामदीन को इन किया है, किरण पोलार्ड को कप्तान बनाया, ये सब नहीं था वेस्ट इंडीज का कॉल। यहाँ पे विराट कोहली साइन करेंगे आज फिर लगता है स्टेडियम में अपने बल्ले के ऊपर, जिस तरह से पहले में किया था। इंडिया ने टॉस जीता है आज, फिर मैं पहले बल्ले गेंदबाजी लेना चाहूंगा। यहाँ पे लास्ट टाइम ओवर कॉन्फिडेंस रहे थे, हंसते हुए हल्का सा मुस्कान दिखती हुई कोहली के चेहरे पे, गेंदबाजी का फैसला लिया यहाँ पे इंडियन कप्तान ने, और अब देखते हैं कितना बड़ा स्कोर करने से रोक पाती है वेस्ट इंडीज को। लास्ट मैच भाई रनों की बारिश हुई थी, लेकिन इस बार क्या होगा वो देखना होगा। नया स्टेडियम, नया पिच, वेस्ट इंडियंस ओपनर्स आ गए हैं अपने स्ट्राइक पे, क्रिस गेल ले रहे हैं स्ट्राइक क्योंकि है नहीं रियल लाइफ में। भुवनेश्वर कुमार इंडिया की तरफ से शुरुआत करने वाले। हमारा गेम प्ले फॉर्मेट वही होगा, पहले 15 ओवर ऑटो प्ले, बाद में 5 ओवर, लेकिन आज के वीडियो में वो हाईलाइट में आएंगे। से पहली गेंद यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार डॉट गया है। 10 ओवर के सिमुलेशन के बाद 75 रन बनाए हैं 10 ओवर में, 2 विकेट गंवाकर। 15 ओवर का सिमुलेशन हो गया है खत्म। यहाँ पे युजवेंद्र चहल कर रहे हैं कब गेंदबाजी, महंगे साबित हुए हैं 8.5 के रन रेट से दिए रन। 3 ओवर, हल्का सा लेग स्टंप रखी है गेंद, स्लिप मिड विकेट, स्लिप मिड ऑन पे प्लेयर मौजूद, लेकिन यहाँ पर डीप मिड विकेट से प्लेयर को आना पड़ा है, सिंगल यहाँ पर चुरा लिया है। 100 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई थी हेटमायर और क्रिस गेल के बीच। गेंद यहां पे फ्लाइट बहुत ज्यादा कराई है और उसी का फायदा उठाया क्रिस गेल। गुगली की कोशिश, एफर्ट वाली गेंद है, एक बार फिर यहां पे चकमा दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से जाती हुई गेंद, प्लेयर पकड़ने में नाकामयाब, चौका लगा यहां पे। अच्छी गेंद थी, एक्सपेरिमेंट किया था, गुगली रखने की कोशिश थी, सफलता नहीं मिली। ओवर द विकेट ही आ रहे हैं अभी भी, स्लाइडर गेंद रखी है लेग स्टंप पे, बड़ा शॉट यहाँ पे, डीप मिड विकेट पे प्लेयर मौजूद है नहीं, 4 रन मिलेंगे। क्रिस गेल पहले से ही तैयार थे बड़े शॉट के लिए, टॉप स्पिन, नई साइड और स्ट्रेट में खेल दिया है गेंद को, आने दिया था नजदीक अपने और सीधे बल्ले से खेला है शॉट 4 रनों के लिए। पिछली बार भी क्रिस गेल लाजवाब रहे थे 97, अरे हाँ जितने विराट कोहली ने बनाए थे एग्जैक्ट उसके आसपास ही बनाए थे, और आज फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक बड़ी इनिंग खेल रहे हैं। ये है उनका स्कोर कार्ड, 2 सिक्स लगा चुके हैं, बाउंड्रियाँ कई सारी लगा चुके हैं, ऑफ साइड लेग साइड दोनों तरफ भरपूर रन। नई गेंदबाज रविंद्र जाडेजा यहाँ पे आते हुए, मिडल पे रखा है गेंद को, डिफेंस करने पे मजबूर, काफी गुस्से में है जाडेजा। पिछली ओवर में धमाका करने के बाद क्रिस गेल यहां पर भी स्ट्राइक पे आए हैं, पहला ही शॉट बड़े की खेलने की कोशिश की, गैप में जाता हुआ, लॉन्ग ऑन पे 4 रन लेंगे।
स्टैंडर्ड डिलीवरी कर रहे हैं, बाउंस दिया है गेंद को, हल्का सा फ्लिक किया है, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, रन आउट की कोशिश की गई है लेकिन ले नहीं पाए हैं, एक ही रन ले पाए हैं और आउट नहीं कर पाए हैं 100 रन के करीब पड़ते हुए। लेकिन इस बार बहुत ही बुरी तरीके से एटमायर को प्योर बीट कराया है पिंच हेल अपना चौथा और आखिरी ओवर करते हुए। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप पे डालनी नहीं होगी, मिड विकेट के ऊपर से गई है ये 4 रनों के लिए। क्या रही है, स्टैंडर्ड एफर्ट डाल रहा है गेंद में हल्का सा, और बैट एंड पैड है, पिछली गेंद लेग स्पिन थी, यहाँ पे गुगली डाला है और फिर से ऐड लेके गई है गेंद, लग की कोशिश, बाउंस कराया पिच खा के गेंद को और बोल्ड हुए हैं, मौका था अगर बल्ले पे लगी थी गेंद, इतना पता है कट एंड बोल्ड हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही बड़ा विकेट, क्रिस गेल आखिरी दो ओवर खेलने लायक नहीं है यहाँ पे क्योंकि आउट हो चुके हैं, इसका हम अलग से रिप्ले देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त गेंद, इतनी बढ़िया इनिंग, 60 गेंद 78 रन। किरण पॉलार्ड नए खिलाड़ी कप्तान, गलती कर दी है मेरे ख्याल से, साइड चेंज करके डालना था, लेकिन अपील करेंगे हम लोग, नॉट आउट है मुझे पता है यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड लैग इंपैक्ट है। अभी तक ये ओवर बहुत अच्छा गया, आखिरी गेंद सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन उस पर भी चौका, अरे रे बहुत अच्छा ओवर जा रहा था, बाउंड्री ने ये ओवर बिगाड़ दिया। तैयारी कर रहे हैं हेटमायर, अभी भी टिके हुए हैं, बहुत मुश्किल होगा हेटमायर के सामने गेंदबाजी करना और वही हुआ है यहाँ पे। रन तो ज़्यादा नहीं बनाए इस बार वेस्ट इंडीज ने, आप देखोगे तो ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन फिर भी इनफ है 161 के ऊपर। किरण पॉलार्ड के लिए साइड चेंज करके डाल रहे हैं यहाँ पे, स्विच किया है यहाँ पे, शॉर्ट स्विफ्ट खेला है, रिवर्स स्विफ्ट और बाउंड्री निकाल दी यहाँ पे पॉइंट के ऊपर से। फाइनली बल्ले से शॉट निकलता हुआ किरण पॉलार्ड के देख के अच्छा लग रहा है, वरना अभी तक बल्ला इनका खामोश था। हेटमायर ने खेला तो अच्छा है लेकिन इस ओवर में कुछ बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, और आखिरी गेंद पर देख सकते हैं आप, तीन गेंदें खेली, तीनों खराब खेली है, आखिरी गेंद पे आउट हुए हैं। बहुत ज्यादा ओपन हो गया था लेग स्टंप और कोई गलती नहीं की यहाँ पर सुंदर ने उन्हें बोल्ड करने में। जाते जाते इंडिया ने एक और विकेट निकाला है, लेकिन अब बल्लेबाजों का काम है यहाँ पे कितने रन बनाते हैं। अच्छी इनिंग हेटमायर की ओवरऑल देखा जाए, पिछले मैच में भी अच्छा खेला था, आज भी अच्छा खेला है। पहली इनिंग के बाद वेस्ट इंडीज ने बनाए 167, 20 ओवर में कंपेयर करें हमारे पिछले मैच से तो बहुत ही कम है, पिछली बार काफी हाईएस्ट, काफी ऊपर गया था रन। एक बार फिर क्रिस गेल ने लाजवाब इनिंग खेली, सिमरन हेटमायर एक बार फिर लाजवाब खेला, इन्होंने दोनों खिलाड़ियों ने, मेरे ख्याल से दोनों टॉप पे आ जाएंगे हाईएस्ट रन बनाने में, एटलीस्ट टॉप 4-5 में तो रहेंगे ही। गेंदबाजी की बात करें तो चहर ने बढ़िया गेंदबाजी की, कुमार चहल और सुंदर को विकेट आए, दो आया कुमार को, बाकी एक एक आया है, और अंत में 167 पे रुका है स्कोर यहाँ पे। अब बैटिंग में आएगी इंडियन टीम और देखते हैं क्या कमाल करती है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, दोनों बड़े खिलाड़ी जिस फॉर्म में है दोनों, मजा आने वाला है। शेल्डन क्वार्टरल करेंगे शुरुआत पहली गेंद पे, हम लोग पहली गेंद खेलने वाले हैं, रियल मैच में बहुत बढ़िया फॉर्म में थे और यहाँ पर शुरुआत भी अपने ही पर है, लेकिन प्लेयर मौजूद है वहाँ, इसके बावजूद भी किसी तरह से बाउंड्री ढूंढ ली है, तो पहली ही गेंद पे चौके के साथ शुरुआत हुई है और इंडिया के लिए मैच आसान होने वाला है मुझे लग रहा है। पहले 10 ओवर को सिमुलेशन करने के बाद 77 पे 3 बना है, 15 ओवर में हालत हो गई इंडिया की खराब, किस्मत देखिए ये मैच लो स्कोरिंग रहा है, लेकिन ऑटो प्ले ने हमारा गेम बिगाड़ दिया है, के खेलना होगा। बड़ा शॉट खेला है, प्लेयर मौजूद है, वन कैच किया है, बहुत मुश्किल गेम बन गई है इंडिया के लिए, 30 गेंदों में 54 रन करना है यार, ये तो अनफेयर है, बहुत ही बुरी तरीके से अनफेयर गेम बन के आई है ऑटो प्ले में। एक तो पहली बार पावर प्ले खत्म है, फील्डर हमारे सारे बाहर हैं, बड़े शॉट लगेंगे नहीं, हार्डेस्ट गेम मोड है और बॉलर से आप बड़े शॉट जल्दी लगा नहीं सकते। सुंदर 3 गेंदों में 7 रन बनाए, नए एक बल्लेबाज जो कि है गेंदबाज, हस्की बनाने के बहुत ही कम चांस है, इसके बावजूद हमने बड़ा शॉट खेला है और कैच आउट पे कैच आउट हो रहे हैं, बड़े शॉट अच्छी तरह से खेलने के बावजूद भी इंडियन बैटिंग लाइनअप को कमाल नहीं कर पा रही है, मेरे ख्याल से अब हमें बची बची विकेट सोच समझ से खेलनी होगी, बड़े शॉट अवॉइड करने होंगे, लेकिन फील्डिंग सेटअप ही ऐसा है और रन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सिंगल डबल से मैं जीत नहीं पाऊंगा मैच। बड़ा विकेट भुवनेश्वर कुमार गोल्डन डक पे आउट, 10 मैच 33 रन, बॉलर हैं, अब देखते हैं क्या कमाल, एकमात्र बल्लेबाज इस वक्त जो खेल रहे हैं।
बड़ा शॉट, अरे भाई क्या है, अरे भाई ना कौन सा शॉट खेलो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे समय पे। तो आइडियल, गुड आइडियल, तीनों में से तीनों ग्रीन लाइन है, इसके बावजूद भी 38 बीट नहीं हो पा रहा है। रविंद्र जाडेजा जैसे बल्लेबाज ऑल राउंडर समझ लो आप, तो बहुत गलत बात है। यहाँ पर सिली मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर कह सकते हो आप, एक्स्ट्रा कवर के हाथों में कैच आउट हुए हैं। आखिरी विकेट इंडिया का यहाँ पे, एज लगा है वो भी, सर्वाइवल की बात आई है, कप्तान की तारीफ करूंगा। एज दे बैठे हैं और ऑल आउट हुई है इंडिया यहाँ पे। मेरे ख्याल से हमारी गेम में उल्टा प्रेडिक्शन चल रहा है, जो हाल यहाँ पर इंडिया का है वो हाल रियल में वेस्ट इंडीज की। इंडिया ने भी अच्छा खेला था लेकिन जीत नहीं पाई थी, फर्स्ट मैच में भी यही हुआ, वेस्ट इंडीज अच्छा खेली लेकिन इंडिया को हरा नहीं पाई। सेकेंड इनिंग में हम लोग रहे हैं फ्लॉप, और हमसे ज़्यादा फ्लॉप रहा है हमारा ऑटो प्ले, 6 विकेट गिर गए थे 114 के आसपास देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ 4 रन ऐड किए हैं और उसमें से 2 विकेट तो काफ़ी अजीब ढंग से आउट हुए हैं, 38 के अंदर 2 कैच आउट हुए, बाउंड्री लाइन पे 2 कैच आउट हुए, 1 38 पे आउट हुआ और आखिरी विकेट एज के थ्रू में आउट हुई है। तो हमने भी खराब खेला है, ऑटो प्ले ने भी आज खराब खेला है, इंडिया की हार आई है लेकिन रियल लाइफ में नहीं होने वाला है मुझे लग रहा है, उल्टा हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ। इंडिया वेस्टइंडीज बन गई है, वेस्टइंडीज इंडिया बन गई है। अब इस गेम में वेस्टइंडीज 2-0 से जीत गई है, अजीब सा सिनेरियो बन के आया है, क्या करें। 4 विकेट निकाले पॉल ने, 2-2 निकाला नारायण होल्डर ने, 1 निकाला थॉमस ने, मैन ऑफ द मैच बने कीमो पॉल। पिछले मैच में भी मुझे याद आ रहा है यही मैन ऑफ द मैच बने थे, इन्होंने 4 विकेट निकाला था। और इस तरह से हमारा जो टूर्नामेंट है वो इस तरह का हो गया। देखिए पहला में वेस्टइंडीज 8 रनों से जीता, फिर 49 रन से जीता है, सीरीज जीत चुका है। और टॉप रन की बात अगर हम दिखाएंगे आपको, टॉप रन पे क्रिस गेल आ गए, मैंने पहले ही कहा था। और देखिए हेतवाल नंबर 2 पे हैं, विराट कोहली नंबर 3, रोहित शर्मा नंबर 4 पे हैं। तो ये हालात हैं हमारी टूर्नामेंट के, काफी उल्टा चल रहा है, मैंने पहले ही जैसा आपको कहा है एकदम उल्टा। और अब तीसरा होगा T20 यहाँ पे वेस्ट ओवल में है, तो भाई वेस्ट ओवल में इसलिए है क्योंकि इंडिया का होम ग्राउंड इस गेम में बना के दिया, इसलिए वो यहाँ पे हो रहा है, रैंक 2 रैंक 1 की टीम दिखा रहा है। पर देखते हैं क्या होता है रियल मैच में, कुछ घंटों के बाद रियल मैच शुरू होगा। मुझे पहले ही बता रहा हूँ मैं फिर से, उल्टा प्रेडिक्शन आया यहाँ पे, इंडिया वेस्ट इंडीज की तरह, वेस्ट इंडीज इंडिया की तरह खेलने का चांस मुझे लग रहा है, देखते हैं पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।